हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोना और मेरे चैनल मोना मैजिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी बॉल्स। जी हाँ, जो हम बना रहे हैं मैगी बॉल्स नूडल्स से बना रहे हैं। नूडल्स आप सभी बनाते ही होंगे, मैगी या फिर सेजवान जो मंचूरियन आता है चिंग्स का, उसका भी आप किसी से भी कोई भी नूडल्स आप बना सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे चिंग्स का जो आता है नूडल्स, हम उससे बना रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सा स्नैक है ये, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम इसे बनाना। मैगी बॉल्स किस तरह से बनाई जाती है, इनके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, देखिए नूडल्स, नूडल्स जो मैंने लिया है एक लिया है पूरा और एक मैंने ले लिया है हाफ। तो यहाँ पे मैंने इतना नूडल्स लिया है। अब मैं एक कढ़ाई में इसमें पानी डाल दूँगी और नूडल्स को हम बॉईल करेंगे। बॉईल हम 80% ही करेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये नूडल्स हमारे चिपके ना, अलग अलग रहें। तो इस तरह से नमक के साथ और पानी और तेल के साथ हम इसे पकने के लिए रख देंगे नूडल्स को हमारे। आप यहाँ पे कोई सा भी नूडल्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, इसे हमें 80% ही कुक करना है। जब ये इसे लीड लगा के पका देती हैं ताकि जल्दी से ये कुक हो जाए। तो देखिए इसमें बॉयल आने लग गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी मैगी कुक हो गई है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैगी कुक हो गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और देखिए मैंने यहाँ से एक स्ट्रेनर में लगा निकाल लिया है और मैंने इसके ऊपर एक गिलास ठंडा पानी भी डाला था। ठंडा पानी डालना इसमें ज़रूरी है। ठंडा पानी डालने से क्या होता है, नूडल्स हमारे अलग अलग हो जाते हैं और ओवर कुक नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक खाली बाउल और बाउल में मैंने डाल रहा है कटा हुआ शिमला मिर्च और कटी हुई प्याज और मैंने ली है कटी हुई हरी मिर्च और मैंने ले लिया है ग्रेट किया हुआ अदरक। ये है अदरक। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। आप इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ शिमला मिर्च और अनियन डाला है। तो इसे बाउल में डाल लेते हैं नूडल्स को। नूडल्स को एक बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद हमने जो भी वेजिटेबल्स काट के रखी है हम इसमें वन बाई वन ट्रांसफ़र करेंगे। कैप्सिकम डाला है पहले मैंने, इसके बाद अनियन डाला है और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली और ग्रेट किया हुआ अदरक। मसाले आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्जी आप अपने पसंद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। इसमें हम डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं आप इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आप जितना भी नमक पसंद करते हो उतना डालिए स्वाद के अनुसार। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम जो डाल रहे हैं बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी हमारे बॉल्स में। तो कॉर्नफ्लोर का कोई रेशियो नहीं है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नूडल्स का जो मसाला मिलता है चिंग्स का, मैंने नूडल्स यूज़ किया है तो मैं उसका मसाला जो सूखा ड्राई मसाला पाउडर आता है मैं उसे डाल रही हूँ। एक गार्लिक वाला था मेरे पास और एक है सेजवान, तो इन दोनों ही पाउडर को मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप मैगी से बनाएं तो आप मैगी का सूखा जो ड्राई वाला पाउडर आता है उसे डाल लें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा था। ये देखिए मैंने हॉट गार्लिक वाला यूज़ किया था। तो सारे ड्राई मसाले हमने इसमें डाल लिए हैं। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर की जगह आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो आप उसे ही डालें क्योंकि इसे बाइंडिंग और क्रिस्पी बनते हैं अच्छे हमारे बॉल्स। तो ज़रूरत के अनुसार आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालें।
जितना आपको लगे कि हाँ इससे अच्छी। अभी मैं एक चम्मच और इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, क्योंकि कम लग रहा है तो हमारे ऊपर है, ये अगर अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है उतना ही हमें इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा भी कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और आप आधा कॉर्नफ्लोर और आधा मैदा भी डाल सकते हैं इसमें, पूरा कॉर्नफ्लोर ना डालकर आधा मैदा और आधा कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर ले लिया, उसमें मैं पानी डाल के इसकी स्लरी बना रही हूँ। आप इसकी जगह मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर से पतला घोल बना लिया है, इसकी स्लरी बना ली है। ये देखिए इस तरह से पतला बनाना है हमें, गाढ़ा नहीं रखना है, पतला ही बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से पतला है हमारा घोल तैयार हो गया। और मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई नूडल्स ले लिए हैं, तो ड्राई नूडल्स को मैंने इस तरह से देखिए तोड़ लिया है। और अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप पार्ट लेते जाएं, और जो नींबू की साइज़ का बॉल्स होता है हम उसी साइज़ का इसके बॉल्स बना लेंगे। अच्छे टाइट हाथों से इसके बॉल्स बनाइए ताकि ऑयल में जाके ये खुले ना। तो देखिए इस तरह से बॉल्स बनाने हैं आपको सारे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये बॉल्स, और एकदम यूनिक रेसिपी है, न्यू रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई करें। आपके फैमिली वालों को ज़रूर बनाकर खिलाएं ये, क्योंकि ये एकदम नई रेसिपी है। हमेशा नूडल्स बनाना, नूडल्स का कुछ वेरिएशन करना चाहिए, कुछ अलग तरीके से बनाकर खिलाएं, तो बड़ों को भी ये बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए इस तरह से सारी हम बॉल्स बना के रख लेंगे। ये देखिए मैंने सारा बॉल्स बना के रख लिया है। अभी हम इसमें कोटिंग करेंगे, जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी अभी हम उसमें कोटिंग करेंगे इसे। और ये देखिए मैं बताती हूँ इसे कैसे कोटिंग करना है। इस तरह से इसका एक बार चम्मच से हम हिला लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जम जाता है। अब हम इसमें इसकी बॉल्स डालेंगे, इस तरह से डिप करना है हमें और इसे निकाल लेना है डिप करने के बाद। और जो हमने नूडल्स रखे थे ड्राई वाले, उसमें हमें कोट करना है। तो कोट करने के लिए ये बहुत अच्छे से कोट नहीं होता, आपको इसे थोड़ा प्रेस करना ही पड़ेगा। प्रेस करेंगे जब ही ये इसमें कोट होगा। तो इस तरह से हमें सारी मैगी की बॉल्स बना लेनी है, इसे बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेंगे हमारे बॉल्स ऊपर से लगाने से भी। अगर आप नहीं भी लगाएं तब भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे ये आपके। तो इस तरह से इसे वन बाई वन डिप करते जाना है और इस पर कोट करते जाना है। तो मैं सारे बॉल्स को इसमें कोट नहीं करूँगी। देखिए मैंने 6 बॉल्स को ही कोट किया है, बाकी के 6 को मैंने ऐसे ही रहने दिया है। तो अभी आप देखिएगा इन्हें हम फ्राई करते हैं। चलिए इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया, देखिए ऑयल अच्छी तरह से गरम हो गया, हीट हो गया है। तो अब हम इसमें डालने लग जाते हैं अपने बॉल्स। देखिए सबसे पहले हम कोटिंग वाले ही डाल रहे हैं, जो हमने नूडल्स में कोट किए थे हम वही डाल रहे हैं। और एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं हम, 6 ही डाल रहे हैं, जितना आपके कढ़ाई में आसानी से आए, एक दूसरे से ना टकराएं उतना ही डालें एक बार में, ज़्यादा ना डालें। और अच्छी तरह से जब कुक हो जाए तो इन्हें सब तरफ से आप पलटते हुए अच्छे से गोल्डन क्रिस्प होने तक तलें। तो ये देखिए बढ़िया से हमारे गोल्डन क्रिस्प हो रहे हैं थोड़े, जब एक तरफ से कुक हो जाए तुरंत इसे पलटिएगा नहीं। देखिए कुक होने के बाद, थोड़ी देर कुक होने के बाद ही हम इसे मूव करेंगे, तुरंत आप इसमें चम्मच न चलाएं। तो जब ये थोड़े कुक हो जाए तब आप इसे पलटते हुए डीप फ्राई करें। ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, जो मंचूरियन वाली खुशबू आती है ना, क्योंकि हमने इसमें कैप्सिकम डाला है और डीप फ्राई कर रहे हैं, तो एकदम मंचूरियन वाली खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी टेस्टी। और ये बहुत ही पसंद आता है मेरे बच्चों को, तो इसे मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को नूडल्स और नूडल्स की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। आप बताइएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो नेक्स्ट टाइम मैं नूडल्स की और भी रेसिपी लेकर आऊँगी। तो देखिए इसे हमें सब तरफ से फ्राई कर लेना है, सारी तरफ, एक तरफ भी कहीं ना छूटे, इस तरह से पलटते हुए गोल्डन हमें सब तरफ से करना है, एकदम क्रिस्पी करारे करारे हमारे मैगी नूडल्स बॉल बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ।
तैयार हो गए हमारे बॉल्स एकदम क्रिस्पी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, पूरे घर में खुशबू इसकी भर गई है। तो जब भी आप ये बनाएंगे तो पड़ोसियों को ज़रूर पता चल जाने वाला है कि आपके घर में क्या बन रहा है। एक बार तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या बना रहे हैं आप, बहुत खुशबू आ रही है। तो बाकी का भी मैं जो बचा हुआ है उसे भी इसी तरह डीप फ्राई कर लूँगी। इस पर मैंने कोटिंग नहीं की थी, बट ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर आप नहीं भी कोट करेंगे ना तो चलेगा। और आप इसे जैसे पकोड़े होते हैं ना, बॉल्स ना बना के नॉर्मल डायरेक्ट आप पकोड़े की तरह भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसे बॉल्स की तरह बनाएं, आपकी चॉइस है, आप किसी भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाल ली है अपने डीप फ्राई करके नूडल्स के बॉल्स। तो देखिए इन दोनों में फ़र्क ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि ये दिखने में दोनों एक जैसे हैं पर इनमें फ़र्क है, क्योंकि हमने इसमें कोटिंग करी थी। पहले हम कोटिंग वाले लगा रहे हैं जिसमें हमने कोटिंग करी थी। ये देखिए पहले हम कोटिंग वाले सारे बॉल्स लगाएंगे। तो ये वही बॉल्स हैं जिसमें हमने ऊपर से नूडल्स की कोटिंग की है। तो देखिए एकदम पास से बहुत ही अच्छे क्रिस्पी करारे बनके एकदम तैयार हो गए हैं। अब हम इसे सॉस, जो टोमेटो सॉस होता है उसे डेकोरेट करेंगे, और मेयोनीज चीज़ के साथ भी खा सकते हैं आप इसे, बच्चे तो चीज़ के साथ खाएंगे इसे। तो इसे डेकोरेट कर देते हैं हम टोमेटो सॉस से, आपकी चॉइस है। इसे ऐसे भी ड्राई खा सकते हैं, इसमें कोई चटनी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स इतनी अच्छी डली है कि और किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत है नहीं। तो देखिए रेडी हो गए हमारे नूडल्स के बॉल्स। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं और सबकी तारीफ़ पाएं। तो देखिए रेडी है नूडल्स बॉल एकदम क्रिस्पी करारे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।